बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 का आगाज किया था, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। और दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 5, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। दोस्तों, अभी तक हमने कंप्यूटर के तमाम एक्सटर्नल कॉम्पोनेंट्स, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, सीपीयू और मेमोरी वगैरह की डिटेल्स देखी है। लेकिन इस चैप्टर में हम इन तमाम कंपोनेंट्स और खासकर सीपीयू और मेमोरी की इंटरनल वर्किंग को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह कंप्यूटर के तमाम पार्ट्स आपस में मिलकर किसी भी इंस्ट्रक्शन को पूरा करते हैं। और दोस्तों, इस चैप्टर में हम कई दफा इंस्ट्रक्शन का वर्ड यूज करेंगे। तो इंस्ट्रक्शन मीन्स कोई भी काम कंप्यूटर से परफॉर्म करवाना, तो वो काम ही दरअसल इंस्ट्रक्शन कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए फिर अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है? जिस तरह आप कोई बिल्डिंग बनवा रहे होते हैं, तो आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि ये बिल्डिंग आप किस मकसद के लिए बनवा रहे हैं। ऑफिस के यूज के लिए बनवा रहे हैं, अपने रहने के लिए बनवा रहे हैं, आया स्कूल के लिए बनवा रहे हैं, और फिर उसी हिसाब से आप उस बिल्डिंग का नक्शा बनवाते हैं कि इसमें रूम्स इतने होने चाहिए, किचन इतने, बाथरूम्स की तादाद इतनी होनी चाहिए। यानी आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बिल्डिंग का नक्शा बनवाते हैं और इसी को कहते हैं आर्किटेक्चर ऑफ द बिल्डिंग। बिल्कुल ऐसे ही जब भी किसी कंप्यूटर को आप बनवाते हैं, तो सबसे पहले उसका भी आर्किटेक्चर डिजाइन होता है। अगर आप मैथमेटिशियन हैं, तो ऐसा कंप्यूटर बनवाना चाहेंगे जो बहुत फास्ट कैलकुलेशन करे। इसी तरह अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, तो ग्राफिकल बेस्ड कंप्यूटर बनवाना चाहेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द कंप्यूटर एज सीन बाय द यूजर। यानी कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इस बात पर सारा फोकस होता है कि यूजर के लिए कंप्यूटर किस तरह से बिहेव करेगा। और दूसरी चीज, द आर्किटेक्चर डिजाइन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज कंसर्न विद द स्पेसिफिकेशन ऑफ वेरियस फंक्शनल मॉड्यूल्स। दोस्तों, यानी इसमें यूजर की नीड के मुताबिक उसके लिए कंप्यूटर का आर्किटेक्चर डिजाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको 2x3 के लिए, यानी आपको ये एक इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करवानी है अपने कंप्यूटर के लिए, तो आप ये देखेंगे कि इस उस कंप्यूटर का जो कि ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेगा, उसका आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए। तो उस कंप्यूटर के आर्किटेक्चर में सबसे पहले आप इस 2x3 को कीबोर्ड से इनपुट देंगे, फिर उसमें एक मल्टीप्लाई करवाने के लिए एक सर्किट मौजूद होना चाहिए सीपीयू के अंदर, और फिर जब वो मल्टीप्लाई करवा के सीपीयू को उस 2x3 के रिजल्ट को मॉनिटर पर आपको शो करवाना होगा। यानी एक इस तरह का आर्किटेक्चर होना चाहिए जिसके अंदर ये तमाम कंपोनेंट्स, ये तमाम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मौजूद होने चाहिए। मींस इसमें यूजर की स्पेसिफिकेशन को देखते हुए जो भी कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होंगे कंप्यूटर के को बनाने के लिए, वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जिसमें क्या क्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपको चाहिए होंगे ये स्पेसिफाई किया जाएगा। फिर इसी से रिलेटेड एक और टर्म यूज की जाती है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न विद द वे द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑपरेट एंड कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म द कंप्यूटर सिस्टम। दोस्तों, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हमें ये पता लग जाएगा कि हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी, और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इस बात पर फोकस करता है कि जो जो कंपोनेंट्स आपको आर्किटेक्चर में चाहिए थे, वो किस तरह आपस में मिलकर उस फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करेंगे। दोस्तों, पहली जो हमने एग्जांपल देखी थी 2x3 की, उसमें हमें ये पता चल गया था कि यहाँ कीबोर्ड चाहिए होगा, एक मल्टीप्लायर का सर्किट चाहिए होगा, एक मॉनिटर चाहिए होगा और एक सीपीयू चाहिए होगा। तो आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में हम ये फोकस करेंगे कि हमें किस तरह का कीबोर्ड चाहिए होगा, किस तरह का मल्टीप्लायर चाहिए होगा, आया वो हार्ड कैलकुलेशंस को मल्टीप्लाई करेगा या फिर स्मॉल कैलकुलेशंस को मल्टीप्लाई करेगा, और दूसरी चीज कि ये तमाम चीजें आपस में इंटरकनेक्ट कैसे होंगी। तो फ्रेंड्स, पहले आपने देखा था कि हमें कीबोर्ड से हम 2x3 को इनपुट देंगे, वो कीबोर्ड से दिया गया इनपुट जाएगा सीपीयू के पास, सीपीयू के अंदर एक मल्टीप्लायर का सर्किट होगा, सीपीयू जब वो मल्टीप्लायर्स के सर्किट के थ्रू 2 को मल्टीप्लाई कर देगा 3 से, तो फिर रिजल्ट शो करवाएगा
कंप्यूटर की इस स्क्रीन पर, यानी इस तरह से इनका कनेक्शन होना चाहिए कि पहले कीबोर्ड होगा, फिर वो कनेक्ट होगा सीपीयू से, और फिर सीपीयू कनेक्ट होगा मॉनिटर से। और अगर हम कीबोर्ड को मॉनिटर से कनेक्ट कर देते हैं तो उसकी वजह से हमारा कंप्यूटर सिस्टम वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं कर सकेगा जो हम चाहते हैं, क्योंकि कीबोर्ड से डायरेक्ट अगर मॉनिटर के पास आपका 2x3 जाएगा तो सिर्फ यहाँ पर आपको रिजल्ट शो नहीं होगा, क्योंकि प्रोसेसिंग तो आपका सीपीयू करेगा, यानी आपके कनेक्शन में कोई गलती है। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये तो डिफाइन होता ही है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होंगे, साथ के साथ ये भी डिफाइन करना होता है कि वो आपस में किस तरीके से कनेक्ट होंगे। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ये बताता है कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स किस तरह कनेक्ट होंगे और किस तरीके से काम करेंगे। इसके बाद जो तीसरी टर्म यूज होती है वो है कंप्यूटर डिजाइन। इट इज समटाइम रेफर्ड टू एज कंप्यूटर इम्प्लीमेंटेशन। दोस्तों, यहाँ असल में आपका कंप्यूटर एक्चुअल में हकीकी तौर पर इम्प्लीमेंट होता है, बनाया जाता है आपके आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर। तो फ्रेंड्स, याद रखिए, यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपके कंप्यूटर का आर्किटेक्चर। जितना क्लियर और वेल डिफाइंड आर्किटेक्चर आपके कंप्यूटर का होगा, उसी की बेस पर आपका कंप्यूटर बनकर तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन कि व्हाट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर, व्हाई वी नीड दिस। और दोस्तों, आज जो आप कंप्यूटर देख रहे हैं उसका जो आर्किटेक्चर सबसे पहले दिया गया था वो दिया था 1951 में वॉन न्यूमैन ने। दोस्तों, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर को स्टोर्ड मेमोरी प्रोग्राम या फिर स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये वो सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने कंप्यूटर में मेमोरी का कॉन्सेप्ट दिया, इसीलिए इनके आर्किटेक्चर को स्टोर्ड मेमोरी प्रोग्राम कहा जाता है। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द वॉन न्यूमैन प्रोग्राम एंड हिज डिजाइन, प्रोग्राम एंड डेटा आर स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। यानी प्रोग्राम को भी और डेटा को भी कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर महसूस किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ दो वर्ड्स यूज हुए हैं, प्रोग्राम और डेटा। फॉर एग्जाम्पल, इंट ए इक्वल टू 10, इंट बी इक्वल टू 5 एंड सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये सब क्या है? दीज आर डेटा, और ये सब जाकर स्टोर होंगे मेमोरी में। और दूसरी चीज है प्रोग्राम। प्रोग्राम मीन्स सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जैसे कि कमांड है ए डबल डी एड, एम यू एल मल, एस यू बी सब, जो कि मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह के लिए यूज की जाती है। तो ये वो कमांड्स हैं, ये वो प्रोग्राम्स हैं जो कि स्टोर होंगे आपकी मेमोरी में। और वो मेमोरी कौन सी होगी? वो होगी मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। और दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मेमोरी का जो कंपोनेंट वॉन न्यूमैन ने बढ़ाया था, यानी यहाँ पर तो सिर्फ ये हो रहा था ना कि इनपुट दे रहे थे, सीपीयू प्रोसेस कर रहा था और आउटपुट मिल रहा था, तो फिर इस मेमोरी की क्या जरूरत थी जब हमें हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट मिल रहा था? तो दोस्तों, अगर किसी भी कंप्यूटर में मेमोरी मौजूद ना हो तो कोई भी चीज आप उसमें सेव नहीं कर सकते। यानी आपने कुछ इनपुट दिया, सीपीयू ने प्रोसेस किया और आउटपुट आपको दे दिया, बस। लेकिन अगर हम बीच में मेमोरी लगा देते हैं तो आपका डाटा और प्रोग्राम मेमोरी में सेव रहेंगे, जिसका फायदा ये होगा कि आप जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, जितनी दफा चाहेंगे उसको बार बार यूज कर सकते हैं। और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का है वो है द मशीन रीड्स द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी वन बाय वन एंड एग्जीक्यूट दीज इंस्ट्रक्शंस। यानी जो भी आप इनपुट देंगे या फिर आउटपुट लेंगे वो सबसे पहले मेमोरी में स्टोर होगा, और मेमोरी में तमाम डाटा इंस्ट्रक्शंस की शक्ल में स्टोर होता है, और मेमोरी में मौजूद तमाम इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू पहले एक एक करके मेमोरी से निकालता जाएगा और एग्जीक्यूट करता जाएगा, और एग्जीक्यूट करके रिजल्ट भी दोबारा से इस मेमोरी के अंदर ही सेव होगा। इस तरह से वॉन न्यूमैन का आर्किटेक्चर काम करेगा। और दोस्तों, वॉन न्यूमैन का आर्किटेक्चर ये भी बताता है कि बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर के कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं जो हेल्प करते हैं डेटा को प्रोसेस करने में, यानी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने में। तो आइए, जो सबसे पहला इसका यूनिट है, जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो है इनपुट यूनिट। दोस्तों, इनपुट यूनिट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड मशीन। तो दोस्तों, इनपुट यूनिट इस तरह की डिवाइसेस होती हैं जो कि यूजर यानी आपके और कंप्यूटर के दरमियान इंटरफेस फराहम करती हैं, रास्ता फराहम करती हैं, ताकि आप
और कंप्यूटर सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर सकें, ताकि आप अपने काम इस कंप्यूटर सिस्टम से करवा सकें। तो दोस्तों, फॉर एग्जांपल, कीबोर्ड एक इनपुट यूनिट है, एक इनपुट डिवाइस है, जिसके जरिए आप कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन और डेटा देते हैं, और वो इंस्ट्रक्शन ऑडियो हो सकती है, तस्वीर हो सकती है। और इनपुट यूनिट सिर्फ यूजर और कंप्यूटर के दरमियान इंटरफेस फराहम नहीं करता, बल्कि द डेटा इन एनी फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्म बाय द इनपुट डिवाइस। यानी जो भी डेटा आप कंप्यूटर को देते हैं, उसे बाइनरी फॉर्म यानी वन और जीरोस में तब्दील भी यही इनपुट यूनिट करता है। और जब वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसे सीपीयू को दे देता है। क्योंकि दोस्तों, हम जानते हैं कि कंप्यूटर कोई डाटा नहीं समझता सिवाय वन और जीरोस के, तो वो काम भी यानी डाटा की कन्वर्जन का काम भी यही इनपुट यूनिट करता है। इसके बाद जो इसका दूसरा यूनिट है वो है आउटपुट यूनिट। यानी इनपुट यूनिट की तरह आउटपुट यूनिट भी इंटरफेस फराहम करता है मशीन और यूजर के दरमियान। क्योंकि दोस्तों, जब आपने कुछ इनपुट दिया और सीपीयू ने वो प्रोसेस कर भी दिया, तो आपको उससे कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप उसका रिजल्ट आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर नहीं देख लेते। तो ये जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं या आउटपुट यूनिट होता है, ये भी रास्ता फराहम करता है मशीन और यूजर के दरमियान, कि मशीन के अंदर मौजूद डेटा को, इंफॉर्मेशन को, रिजल्ट को यूजर यानी आप देख सके। जैसे कि मॉनिटर एक आउटपुट यूनिट है, जो कि आपको यानी यूजर को रास्ता फराहम करता है कि आप अपनी मर्जी का डाटा मॉनिटर पर देख सकते हैं। जिस तरह इनपुट यूनिट आपके दिए गए डाटा को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके सीपीयू को देता है, क्योंकि आपका कंप्यूटर बाइनरी नंबर्स को ही समझता है, बिल्कुल ऐसे ही आउटपुट यूनिट बाइनरी डाटा को सीपीयू से लेता है और उस फॉर्म में जो कि यूजर को चाहिए होती है, जो कि आपको समझ में आती है, उसमें तब्दील करता है। तो दोस्तों, इन शॉर्ट, ये जो इनपुट आउटपुट या फिर आईओ यूनिट है, ये प्रोसेसर और पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे कि प्रिंटर, प्लॉटर, माउस, कीबोर्ड वगैरह के दरमियान कम्युनिकेशन करवाता है। तो दोस्तों, ये था इनपुट आउटपुट या फिर आईओ यूनिट। इसके बाद जो इसका तीसरा कॉम्पोनेंट है वो है मेमोरी यूनिट। दोस्तों, मेमोरी के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जितना भी डेटा और प्रोग्राम्स हैं जो कि सीपीयू को प्रोसेस करने होते हैं, वो मेमोरी में जाकर स्टोर होते हैं। और इस मेमोरी को के कई नाम हैं, जैसे कि मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी वगैरह। और दोस्तों, इसके बाद जो फोर्थ कॉम्पोनेंट है और जो सबसे ज्यादा मेन कॉम्पोनेंट है, वो है सीपीयू। सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। दोस्तों, सीपीयू किस तरह काम करता है, इसकी डिटेल्स हम अगले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। अभी मैं आपको इसके मेन कंपोनेंट्स के बारे में बताती हूँ। तो जो इसका सबसे पहला कंपोनेंट है वो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। दोस्तों, ALU में बहुत से अलग अलग सर्किट्स होते हैं, जैसे कि एडर का सर्किट, सब्ट्रैक्टर का सर्किट, जिसके जरिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन और दूसरी मल्टीप्लीकेशन करवाई जाती है। यानी जितने भी आप कैलकुलेशन करवाते हैं, वो तमाम सर्किट्स इसी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर मौजूद होते हैं, जिसके जरिए आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के साथ साथ लॉजिकल ऑपरेशंस भी इसके जरिए परफॉर्म करवाते हैं। यानी ALU के जरिए जितनी भी कैलकुलेशंस आप कंप्यूटर में करवाते हैं, वो इसी के जरिए होती हैं। इसके बाद है कंट्रोल यूनिट। दोस्तों, कंट्रोल यूनिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंप्यूटर के अंदर, सीपीयू के अंदर, क्योंकि मेमोरी के अंदर तमाम इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं, थाउजेंड या फिर लाखों की तादाद में इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती है। और कंट्रोल यूनिट सीपीयू को ये बताता है कि उसे कौन सी इंस्ट्रक्शन को पहले प्रोसेस करना है और कौन सी इंस्ट्रक्शन को बाद में, और साथ के साथ ये भी करता है कि उन इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू के पास लेकर भी आता है, यानी उनको फेच भी करता है, एग्जीक्यूट भी करता है और साथ के साथ ऑर्गेनाइज भी करता है, यानी किस इंस्ट्रक्शन को पहले सॉल्व करना है, किसको बाद में, और अगर किसी इंस्ट्रक्शन की रिक्वेस्ट बीच में आ जाती है तो उसको किस तरीके से प्रोसेस करना है। इन तमाम चीजों को कंट्रोल यूनिट के जरिए कंट्रोल किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके बाद आपको सीपीयू के अंदर एक और कॉम्पोनेंट नजर आ रहा होगा, जिसका नाम है रजिस्टर्स। दोस्तों, ये अब तक की सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मेमोरी है, जो कि कहलाती है रजिस्टर। और इनका काम क्या होता है, ये टेम्पररी यानी वक्ती तौर पर डेटा को स्टोर करते हैं, और इनका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, इसीलिए इनको स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट भी कहा जाता है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जब हमारे पास
मेन मेमोरी मौजूद है तो रजिस्टर्स को हम क्यों यूज कर रहे हैं और इनको सीपीयू की चिप पर ही क्यों लगाया गया है। तो फ्रेंड्स इसका जो मेन रीजन है वो है इनकी स्पीड, क्योंकि तमाम डाटा और प्रोग्राम मेन मेमोरी में मौजूद होते हैं और सीपीयू आप सब जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है, बहुत तेज प्रोसेसिंग करता है बनिस्बत मेमोरी के। तो फ्रेंड्स होता क्या है, सीपीयू तेजी से प्रोसेसिंग कर रहा होता है क्योंकि सीपीयू बहुत फास्ट होता है मेमोरी के निस्बत, और मेमोरी उसको दूसरी तरफ आहिस्ता स्पीड में यानी आहिस्ता आहिस्ता डाटा को सीपीयू को दे रही होती है, जिसकी वजह से इन दोनों की स्पीड में फर्क आता है। और क्योंकि सीपीयू तेजी से डाटा को प्रोसेस कर चुका होता है और मेमोरी उसको बहुत देर देर में डाटा दे रही होती है, इसीलिए सीपीयू का ज्यादा टाइम आइडल रहता है यानी वो बहुत देर फारग रहता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लगाए गए रजिस्टर्स जो कि बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं। अब रजिस्टर्स से क्या होता है कि सीपीयू और मेमोरी से आने वाले डेटा को वक्ती तौर पर अपने पास स्टोर करते हैं। यानी दोस्तों जैसे कि मेमोरी के अंदर तमाम डेटा होता है, अब जब सीपीयू को डेटा को प्रोसेस करना होता है तो वो क्या करता है, पहले डेटा रजिस्टर्स के अंदर, जिस डेटा को प्रोसेस होना होता है उसको रजिस्टर के अंदर लोड करवा देता है, जिसका फायदा ये होता है कि रजिस्टर्स बहुत फास्ट होते हैं तो ये तेजी से सीपीयू को डाटा देते रहते हैं, सीपीयू उनको प्रोसेस करता रहता है और प्रोसेस करने के बाद रजिस्टर्स को दे देता है और रजिस्टर्स फिर उस डाटा को मेमोरी के अंदर सेव करा देते हैं। यानी ये जो है ये इंटरमीडिएट होता है सीपीयू और मेमोरी के बीच में मौजूद होता है, और इसका असल काम क्या है, ये फास्ट प्रोसेसिंग के लिए यानी तमाम डाटा सीपीयू तेजी के साथ प्रोसेस करे इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और दोस्तों रजिस्टर्स सिर्फ एक तरह के नहीं होते, बल्कि आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के रजिस्टर्स अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इनकी डिटेल्स हम अगले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। अभी आप बस ये याद रखिए कि ये सीपीयू और मेमोरी के इंटरमीडिएट होता है, उनके दरमियान में इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ा सके। तो दोस्तों अब हमारे पास तमाम कंप्यूटर कंपोनेंट्स मौजूद हैं, जैसे कि सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट यूनिट। अब इन तमाम यूनिट्स को आपस में जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए जिन कनेक्शंस की जरूरत होती है वो कहलाती हैं बसेस या फिर बस इंटरकनेक्शन, जिनके जरिए ये तमाम कंपोनेंट्स आपस में कनेक्ट होते हैं ताकि किसी भी इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करवा सकें। और दोस्तों बसेस भी अलग अलग तरह की होती हैं, जैसे कि एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस वगैरह। इन तमाम बसेस की डिटेल्स भी हम अगले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की डिटेल्स देखी, साथ के साथ कंपोनेंट्स को देखा। अगले लेक्चर में हम इसकी मजीद डिटेल्स इन तमाम कंपोनेंट्स की देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।